आज हम बनाने वाले हैं पिज़्ज़ा या पास्ता सॉस, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। जब भी आपका पिज़्ज़ा या पास्ता खाने का मन हो तो आप इसे झटपट घर पर बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। इस वीडियो में आपको मैं दो तरह से पिज़्ज़ा या पास्ता सॉस बनाना बता रही हूँ, तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिज़्ज़ा या पास्ता सॉस बनाने के लिए एक पैन लेंगे और उसमें 4 बड़े चम्मच यानी कि 1/4 कप मैंने तेल लिया है। 1 मैंने यहाँ प्याज लिया है जिसको बारीक कट कर लिया है, डाल लेंगे और इसे अच्छे से हम भून लेंगे। करीब करीब 2 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर भून लेंगे। अब मैंने यहाँ 15 से 20 लहसुन की कलियाँ ली हैं, वो डाल लेते हैं। इन्हें भी अच्छे से भून लेंगे हम। और साथ ही साथ मैंने 6 से 7 यहाँ सूखी लाल मिर्च ली हैं, इन्हें भी भून लेंगे अच्छे से। सभी चीज़ों को अच्छे से भूनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये अच्छे से भून ली है मैंने। अब हम इसमें टमाटर डाल लेंगे। तो 5 बड़े साइज के मैंने टमाटर लिए हैं, ये डाल लेते हैं। बिल्कुल बारीक कट करके लिए हैं, इन्हें भी हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट ना हो जाएं। अब 1 चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ जिससे टमाटर बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ डाल सकते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और कुछ मैंने यहाँ मसाले लिए जो पिज़्ज़ा या पास्ता में यूज़ होते हैं। तो 1 चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स लिया है, 1 चम्मच ऑरिगेनो, आपके पास मिक्स हर्ब है तो वो भी ले सकते हैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ पिज़्ज़ा सीजनिंग ली है और 1/2 छोटी चम्मच मैंने यहाँ बेसिल ली है, तो ये डाल लेते हैं। आपके पास मिक्स हर्ब है तो वो डाल सकते हैं, ऑरिगेनो है तो वो डाल सकते हैं, जो भी आपके पास है वो डाल लीजिए। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पका लेंगे इसे। अब मैंने यहाँ 2 बड़े चम्मच टोमेटो केचप लिया है, इससे बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट हो जाएगा। इसके बगैर भी आप बना सकते हैं पर ये डालेंगे तो इसमें टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाएगा, बिल्कुल मार्केट जैसा आपको पिज़्ज़ा या पास्ता सॉस लगेगा। तो इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स और इसे ढक कर हम 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। तो ढक कर हम इसे 3 से 4 मिनट पका लेते हैं। 3 से 4 मिनट हो गए, चेक कर लेते हैं। देखिए तेल अच्छे से रिलीज़ हो गया है, तो ये बनकर तैयार है। अब हम इसमें 1 चम्मच चीनी डाल लेंगे। चीनी डालने से खट्टा मीठा तीखा अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं इसमें 1/2 छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च भी डाल लेती हूँ। तो 1/2 छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ठंडा कर लेंगे हम, और ठंडा होने के बाद हम इसे पीस लेंगे। बिल्कुल ठंडा होने देंगे पहले। देखिए मैंने इसको जार में डाल लिया है, मैं 2 बार करके इसको पीस रही हूँ, आप एक साथ भी पीस सकते हैं। और अब हम बनाएंगे इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस या पास्ता सॉस। इसके लिए मैंने 1/2 कप इसमें टोमेटो केचप लिया है। इसमें मैं 1/4 छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ। 1/4 छोटी चम्मच मैंने यहाँ गार्लिक पाउडर लिया है। साथ ही साथ 1/4 छोटी चम्मच हम इसमें बेसिल डाल लेंगे। 1/4 छोटी चम्मच मैंने यहाँ ऑरिगेनो लिया है। 1/4 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स। इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। या आपके पास पिज़्ज़ा सीजनिंग, पास्ता सीजनिंग कुछ भी है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, या इनमें से एक चीज़ है वो भी आप ले सकते हैं, तो भी टेस्टी ही बनेगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस इंस्टेंट पिज़्ज़ा या पास्ता सॉस बनकर तैयार है। जब भी आपका पिज़्ज़ा या पास्ता खाने का मन हो तो आप ऐसे इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस बना सकते हैं।
तो ये लीजिए, दोनों ही तरह के पिज्ज़ा या पास्ता सॉस बनकर तैयार हैं। जब भी आपका पिज्ज़ा या पास्ता खाने का मन हो, आप इन्हें बना सकते हैं एकदम आसानी से घर पर और इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो ढेर सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।